आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी ढोकला। ये ढोकला इंस्टेंट बन जाता है इन माइक्रोवेवन ओनली 5 मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ढोकला बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने बेसन लिया है 3 कप, सूजी लिया है 1 कप, ये कच्चा सूजी है, मैंने रोस्ट नहीं किया। इनो लिया है, ये रेगुलर इनो फ्रूट सॉल्ट है। शुगर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर ये ऑप्शनल है, सरसों, जिंजर पेस्ट, करी पत्ता एंड ग्रीन चिली, ऑयल, रेड चिली पाउडर, ये इमली का पल्प है, मैंने अराउंड 2 टीस्पून लिया है इमली का पल्प, एंड जगरी लिया है, जो गुड़ होता है वो जगरी, और वाटर। तो पहले मैं इमली का चटनी जो होता है वो पहले बना लेती हूँ, क्योंकि ये इमली का पल्प के अंदर मुझे जगरी डालना है, ये जगरी को इसके अंदर मेल्ट होना है, इसलिए मैं इस पल्प के अंदर जगरी, वाटर एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। अच्छे से मिला दूँगी, ये घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये फास्ट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर डाला है एंड थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी डाला है इसके अंदर। एंड इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर बेसन ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में, 3 कप बेसन, उसके अंदर 1 कप सूजी, टर्मरिक पाउडर ओनली फॉर कलर के लिए है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट, टेस्ट टू सॉल्ट अराउंड 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून शुगर, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, टू टी स्पून ऑयल, मैंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले मिक्स कर लूँगी। फिर उसके अंदर मैं पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पक जाएगा इस बेसन के अंदर। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये घोल एकदम तैयार है। देखिए ऐसा होगा, फिर इसको एक साइड में रख देते हैं, और एक माइक्रोवेव प्रूफ मैं बर्तन लूँगी जो स्क्वायर में है, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं, मेरे पास स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर ले रही हूँ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ग्रीस कर लूँगी, जैसे ये चिप बिल्कुल चिपक ना जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल
इसके अंदर पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। फिर उसके अंदर मैं ये मिक्सचर डालूँगी, मगर उस मिक्सचर में मैं पहले जो रेगुलर फूड सॉल्ट है मैं करीब 1 टीस्पून मैं उसमें डाल दूँगी। 1-2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मिला के, झट से मिला के इसको इस बेकिंग ट्रे के अंदर मैं डाल दूँगी। ये एकदम लास्ट में करना है, फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद ही बेकिंग ट्रे में डालना है। देखिए ये बेसन कितना फूलने लगा है। थोड़ा सा पूरा भर नहीं भरूंगी क्योंकि ये फूल के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से छोड़ रही हूँ, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ। और इसको थोड़ा सेट कर लेंगे हम। फिर मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी, इस प्लेट को मैं माइक्रोवेव के अंदर डाल दूंगी, इस बेकिंग ट्रे को। अराउंड 5 मिनट्स के लिए मैं दे रही हूँ। चलिए 5 मिनट्स खत्म हो गया है, अभी माइक्रोवेव खोलते हैं। देखिए कितना अच्छा फूल के रेडी हो गया है। मैं एक फॉर्क डाल के देख लूँगी कि इसके अंदर कच्चा है कि नहीं। मैंने मेरा फॉर्क अच्छे से निकल गया है और देखिए कितना खूबसूरत बना है आपका ढोकला। फिर मैं एक नाइफ की मदद से आपको जैसे साइज़ में अच्छा लगे, जैसे शेप में अच्छा लगे आप काट लीजिए। मैं स्क्वायर में ही काट करूँगी, अच्छे से कट कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैं तड़का डालूँगी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये ढोकला, एकदम दुकान के जैसा सॉफ्ट हुआ है ये ढोकला, और कितना जल्दी भी बन गया है। फिर मैं एक बर्तन ले लूँगी, थोड़ा हीट कर लूँगी एंड उसके अंदर मैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। फिर इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए और उसके अंदर जो सरसों था वो सरसों डाल देंगे एंड करी पत्ता एंड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को मैंने बीच से थोड़ा उसको टूट के रखा था, नहीं तो बहुत छिटकता है वो। फिर मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो सरसों जब फूटने लगता है बहुत इधर उधर छिटक जाता है, इसलिए थोड़ा ढक के मैं पकाऊंगी, थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे करी पत्ता, सूखे करी पत्ता यूज़ किया। आपके पास एकदम फ्रेश करी पत्ता हो तो भी बहुत अच्छा है वो। फिर मैं इसके अंदर अराउंड 1 कप वाटर ऐड करूँगी, अराउंड 1 कप। फिर उसके अंदर मैं अराउंड 3 टेबलस्पून मैं शुगर ऐड करूँगी, 2.5 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। ये शुगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मीठा खाना पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा शुगर डालिए, आपको मीठा खाना पसंद नहीं हो तो आप शुगर स्किप भी कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिला ले इस शुगर को। इसको गर्मा गर्म इसके ऊपर आप डाल दीजिए
और देखिए ये ढोकला इज रेडी। फिर इस ढोकले को एक प्लेट में निकाल लीजिए और देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये ढोकला। और इसको इस चटनी के साथ, जो इमली का जो चटनी है, और आप ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं इसके साथ, ये दोनों चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आपका ढोकला रेडी टू सर्व। अभी इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी बन गया है ये इंस्टेंट ढोकला इन माइक्रोवेव में। एंजॉय।